Magic Rhyme Book on page number 37. Today we will do a new rhyme. The name of the rhyme is Little Jack Horner. Now let's start this beautiful rhyme and you all repeat after me. First line मैं बोलेंगी, फिर आप बोलेंगे और इसी तरह से आप इस line को easily learn कर सकेंगे. Okay? इसी तरह से करते थे ना हम school में. पहले मैम बोलते थे, फिर आप बोलते थे और आपको ये rhyme learn हो जाती थी. बिल्कुल उसी तरह से बोलेंगे और आपको बहुत easily learn हो जाएगी और मैम आपको इस rhyme का link भी send करेंगे. तो आप music के साथ भी इस rhyme को enjoy करना. Now let's start. Little Jack Horner sat in the corner. Speak after me. Little Jack Horner sat in the corner, eating a Christmas pie. He pulled out a plum and put in his thumb and said, "What a good boy am I." बहुत easy rhyme है. बस आपको 2-2 lines करके इसको sing करना है मैम के साथ. Once again we will repeat. Little Jack Horner sat in the corner. Little Jack Horner sat in the corner, eating a Christmas pie, and pulled out a plum and put in his thumb and said, "What a good boy am I." देखिए Little Jack Horner, देखिए कहाँ है, देखिए corner पे क्या खा रहा है, Christmas pie खा रहा है ना, और देखिए उसने उसको plum को किसमें डाल रखा है, thumb में. और फिर वो क्या कह रहा है कि कितना अच्छा बच्चा हूं मैं. देखो एक बार फिर से सिंग करें और लिंक पे आप बार बार सुनेंगे तो आपको बहुत इजी, बहुत आसान लाइन है, इजीली लर्न हो जाएगी और आप म्यूजिक के साथ एंजॉय भी करेंगे. एक बार फिर से मैम आपको बता रहे हैं, लिटिल जैक हॉर्नर सेट इन द कॉर्नर ईटिंग अ क्रिसमस पाई. ही पुल्ड आउट अ प्लम एंड पुट इन हिज थंब एंड सेड, व्हाट अ गुड बॉय एम आई. इसी तरह से आपको सिंग करना है इस लाइन को और आपको लर्न भी हो जाएगी. एंड नाउ वी विल डू रिटन वर्क इन योर इंग्लिश नोटबुक्स. नाउ टेक आउट योर बुक्स, लेट्स स्टार्ट रिटन वर्क. सो माय डियर चैंप्स, नाउ रेडी विद योर नोटबुक्स. कल हमने किए थे सिंगुलर प्लूरल, याद है आपको? कल मैंने आपको सिंगुलर प्लूरल कराए थे इंग्लिश की नोटबुक में. आज फिर हम इसी वर्क को रिपीट करेंगे नोटबुक्स में. देखिए सेम वर्ड्स हैं, आपको वही लिखने हैं प्लूरल फॉर्म में. बहुत इजी थे ना, मजा आया ना सबको? प्लूरल फॉर्म में जब हम चेंज करते थे तो क्या लगा देते थे पीछे? एस. वेरी गुड. जो वन है उसके लिए हम क्या बोलते थे, वो कौन सी फॉर्म होती है? सिंगुलर फॉर्म. और जब हम मैनी थिंग्स है, मैनी पर्सन है, मैनी एनिमल्स है, तो उसके लिए हम क्या होता है? प्लूरल फॉर्म. वन मैनी जैसे किया था, बिल्कुल उसी तरह से क्या है? सिंगुलर प्लूरल. कल मैम ने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए थे विद एग्जांपल्स. आज हम इनको एक बार फिर से नोटबुक पे करेंगे. देखिए मैम ने सिंगुलर फॉर्म लिखी हुई है, आपको इनको प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है. और नोटबुक पे सुंदर सुंदर, जैसे कि मैम आपको हमेशा बोलते हैं, सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में वर्क करना है और इसकी पिक्चर जरूर सेंड करना है. राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन. वेरी गुड. नाउ लेट्स स्टार्ट हाउ वी विल डू दिस वर्क. फर्स्ट देखिए सिंगुलर फॉर्म में क्या है? गर्ल, G-I-R-L, girl. अब इसको प्लूरल फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? Girls. Very good. पीछे हम क्या कर देंगे? S लगा देंगे. लड़की, लड़कियां. ज्यादा है ना, तो क्या लगा देंगे? S. बस आपको क्या करना है, आपको इन स्पेलिंग्स के पीछे S पुट करना है बस, और कुछ नहीं करना है. सो सिंपल एज इट इज, आपको स्पेलिंग लिखनी है और S लगाते जाना. B-O-Y, boy. प्लूरल फॉर्म में क्या हो जाएगा चेंज होके? B-O-Y-S, boys. लड़का, लड़की. Boy, boys. Kite. नेक्स्ट क्या है वर्ड हमारा? Kite. K-I-T-E, kite. Kite means पतंग. तो उसका प्लूरल फॉर्म में चेंज होके क्या हो जाएगा? Kites, पतंगे. तो कैसे लिखेंगे देखिए, K-I, सुंदर सुंदर लिखेंगे. फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल. K-I-T-E-S, kites. देखिए SS लगा रहे हैं ना, बहुत सिंपल है और बहुत इजीली. इसको कुछ ज्यादा नहीं आपको करना है, बहुत सिंपल है और आपने ऐसे ही करना है. बुक के लिए आप क्या लिखेंगे? किताब. बुक का क्या मतलब होता है? किताब. और उसका प्लूरल फॉर्म में क्या हो जाएगा? बुक्स, किताबें.
बुक का क्या हो जाएगा, बुक्स क्या लगाएंगे पीछे, एस, बी डबल ओ के एस, बुक्स। मूव ऑन नेक्स्ट वर्ड, डे, दिन, डेज, दिनों। आपने किए थे ना डेज ऑफ द वीक मैथ्स में, तो एक दिन के लिए क्या बोलेंगे, दिन, डेज, दिनों, पीछे क्या लगाएंगे, एस, डी ए वाई एस, डेज, डी ए वाई एस, डेज। इसी तरह से आपको अपनी नोटबुक पे सुंदर सुंदर लिखना है, सी ए टी, कैट, कैट मीन्स बिल्ली, और प्लूरल फॉर्म में क्या हो जाएगा, कैट्स, बिल्लियां। अब लिखिए इसको भी, चेंज कीजिए, सी ए टी एस, कैट्स, सी ए टी एस, कैट्स। मूव ऑन नेक्स्ट वर्ड, डॉग, डॉग का क्या हो जाएगा, डॉग्स, कुत्ते, कुत्ता, कुत्ते, डॉग्स, डी ओ जी एस, डॉग्स। नेक्स्ट वर्ड, पेन, पेंस, पेन, पेंस, वी आर पुटिंग एस ओनली इन द एंड, नथिंग एल्स वी हैव टू, गन, गन्स, बंदूक, बंदूके, जी यू एन एस, यही सेम वर्ड जो आपने कल नोटबुक पे किया था, आज भी आपको यही वर्ड रिपीट करना है, ओके। एच यू टी, हट, हट, झोपड़ी, झोपड़िया, हट, हट्स, एच यू टी एस, हट्स, एच यू टी एस, हट्स। सो माय डियर चैम्स, एक बार फिर से रिपीट करेंगे इनको, कौन कौन से सिंगुलर फॉर्म हमने प्लूरल फॉर्म में चेंज किए, गर्ल, गर्ल्स, बॉय, बॉयज, काइट, काइट्स, बुक, बुक्स। सबकी आवाज आनी चाहिए, मैं देख रही हूं आप बोल ही रहे हैं, आप बोलते हैं तभी आप सीखते हैं, क्लास में भी तो बोलते थे ना, मजा आता था ना, उसी तरह से आपने बोलना। देखिए मैम आपको घर पे पढ़ा रहे हैं बड़े कंफर्ट लेवल में, तो आप सबने अच्छे से बोलना और सीखना, ठीक है। ये तो आगे आपको प्रॉब्लम आएगी फिर एग्जाम में, एग्जाम स्कूल में ही होंगे ना, यस स्कूल में होंगे, तो इसलिए अच्छे से पढ़िए, गुड बेबीज, और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, जरूर रिपीट कीजिए इसको, और आपको बहुत ईजीली आ जाएगा, बुक, बुक्स, डे, डेज, कैट, कैट्स, डॉग, डॉग्स, पेन, पेंस, गन, गन्स, हट, हट्स। सो माय डियर चैम्स, आज इसी वर्क को आपने इसी तरह से करना है, यही आज का आपका होमवर्क है, और जो मैम ने आपको न्यू राइम कराई है लिटिल जैक ऑनर, उसको लर्न जरूर करना है, और लर्न करने के बाद इसकी वीडियो जरूर सेंड करनी है, ओके। टिल देन, बाय बाय।